था कि चैप्टर नंबर 16 माइकल फेराडे, लेसन नंबर 16 माइकल फेराडे के बारे में हमने देखा था कि लेसन में हमने देखा था कि जो माइकल फेराडे हैं उन्होंने बिजली चुंबक, बिजली से चलने वाले यंत्र यानी कि बिजली की खोज की थी और बिजली से कौन कौन से यंत्र चलते हैं वो भी हमने लेसन के अंदर देखा था। और जो माइकल फेराडे हैं उनको बचपन में कितनी कठिनाइयाँ यानी कि कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी कि जब वो 6 साल के थे तब उन्होंने पाठशाला जाना शुरू कर दिया था पर उनके पास किताबें नहीं थी क्योंकि उनका जन्म एक गरीब लोहार परिवार में हुआ था। उनके पिता ब्लैकस्मिथ से लोहार थे तो उनके पास किताबें नहीं थी तो उनको बहुत ही प्रॉब्लम होती थी तो भी उन्होंने हार नहीं मानी और वो पढ़ाई करते रहे और साथ साथ अपने पिता के काम में भी हाथ बटाते रहे। फिर जब वो 7 साल के बाद 13 साल के हुए तब क्या हुआ कि उनके पिता ने उनकी पढ़ाई बंद करवा दी और उनके पिता ने कहा कि पढ़ाई छोड़कर अखबार बांटो। तो जो माइकल फेराडे हैं वो घर घर जाकर अखबार बांटने लगे और थोड़े दिन बाद उनको एक जिल्द बनाने वाले के यहाँ, जिल्द यानी कि मैंने बताया था कि बुक बाइंडिंग करते हैं उसे जिल्द कहते हैं, तो जिल्द बनाने वाले के यहाँ नौकरी मिल गई। तो वो वहाँ अच्छे से जिल्द बांटता था और उसका जो मालिक है वो भी उससे बहुत ही खुश था क्योंकि जो माइकल फेराडे है वो बहुत ही अच्छी जिल्द बांधता था, बहुत ही अच्छी बुक बाइंडिंग करता था। तो माइकल फेराडे को वहाँ बुक पढ़ने का मौका भी मिल जाता था कि बुक जो आती थी तो वो अपना काम फटाफट फिनिश करके फिर जब भी टाइम मिलता था तो वो बुक पढ़ने लगता था। और जहाँ भी बिजली संबंधित कोई बुक आती थी, इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड कोई बुक आती थी तो वो उसे अवश्य पढ़ता था, एक भी मौका वो छोड़ता नहीं था। यहाँ तक हमने लेसन देखा था, आगे हम देखते हैं कि फिर क्या होता है। एक दिन एक बूढ़े आदमी ने उसे ऐसे ही एक किताब में मग्न देखा। एक दिन क्या हुआ कि एक बूढ़े आदमी, बूढ़े यानी कि क्या होता है कि जो एजेड पर्सन होते हैं वो, तो बूढ़े आदमी ने उसे ऐसे ही एक किताब में मग्न यानी कि तल्लीन हो जाना, डूब जाना। मग्न यानी कि डूबा हुआ, वो किताब में बहुत ही डूबा हुआ था यानी कि बहुत ही ध्यान से वो रीडिंग कर रहा था। वह वृद्ध व्यक्ति स्वयं एक वैज्ञानिक था, वृद्ध यानी कि बूढ़ा, जो आगे बूढ़ा शब्द दिया था उसका सिनोनिम वर्ड है वृद्ध। तो वो जो वृद्ध व्यक्ति था वो खुद स्वयं यानी कि खुद एक वैज्ञानिक साइंटिस्ट था जो उसने देखा कि ये माइकल फेराडे बहुत ही किताब में अंदर डूबा हुआ है। तो जो व्यक्ति था वो कौन था, एक खुद ही वैज्ञानिक था। इतने छोटे बालक को ऐसी कठिन किताब पढ़ते देखकर वह चकित रह गया। उसने पूछा तुम कहाँ पढ़ते हो, कि जब वो बूढ़ा व्यक्ति ने देखा कि इतना छोटा बालक है 13 साल का है तो भी इतनी हार्ड बुक पढ़ रहा है कि वो इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड बुक पढ़ रहा था, इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड जो बुक होती है बहुत ही हार्ड होती है। तो वो जो जो बड़े बड़े वैज्ञानिक होते हैं या 10th 12th में जब फिजिक्स आता है वैसी कोई बुक्स होती है इतनी हार्ड बुक होती है, तो उनकी उम्र कम थी तो भी इतनी हार्ड बुक पढ़ते देखकर वो बूढ़ा आदमी चकित रह गया यानी कि दंग रह गया, चौंक गया कि इतना छोटा इसकी छोटी मतलब उम्र है तो भी ये इतनी हार्ड बुक पढ़ रहा है। तो उसने पूछा कि तुम कहाँ पढ़ते हो यानी कि कौन सी स्कूल में पढ़ते हो। मैं कहीं नहीं पढ़ता, मैं ये जिल्दे बांधता हूँ, माइकल ने उत्तर दिया। माइकल क्या कहते हैं कि मैं कहीं भी नहीं पढ़ता हूँ, मैं स्कूल ही नहीं जाता हूँ, मैं तो सिर्फ ये काम करता हूँ जिल्द बांधने का यानी कि बुक बाइंडिंग का काम करता हूँ। मुझे बिजली से संबंधित किताबें अच्छी लगती है, जानकारी बढ़ाने के लिए मैं यह किताब पढ़ रहा हूँ कि मुझे बिजली से रिलेटेड यानी कि इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड कोई भी बुक हो तो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, इसीलिए मैं अपनी जानकारी यानी कि नॉलेज बढ़ाने के लिए ये बुक
पढ़ता रहता हूँ कि यहाँ कोई बुक आती है ये बिजली रिलेटेड तो मैं उसे अवश्य पढ़ लेता हूँ। तो इस बात से हमें पता चलता है कि जो माइकल फैराडे है उनको बिजली के रिलेटेड यानी कि बिजली में बहुत ही इंटरेस्ट था। बिजली रिलेटेड कोई भी बुक हो या कोई भी यंत्र साधन हो तो उसमें उसको बहुत ही इंटरेस्ट था। आगे वह वृद्ध व्यक्ति माइकल के उत्तर से खुश हुआ। उसने सलाह दी, यदि तुम बिजली के बारे में अधिक जानकारी बढ़ाना चाहते हो तो सर हेम्फ्री डेवी के भाषण सुना करो। कि माइकल जो वृद्ध व्यक्ति था जो खुद साइंटिस्ट था उन्होंने क्या बोला उनको माइकल फैराडे को खुश हो गया इसका जवाब सुनकर माइकल फैराडे का कि इतनी छोटी उम्र है तो भी उसको कुछ बनना है कि उसको बिजली रिलेटेड बुक्स अच्छी लगती है इसलिए वो पढ़ाई करता है और स्कूल भी नहीं जाता है तो भी इतनी पढ़ाई करता है। तो उनके जवाब से खुश होकर उन्होंने सलाह दी उसको कि एक सजेशन दिया कि अगर तुम्हें बिजली के रिलेटेड संबंधित कोई भी जानकारी अगर अधिक चाहिए तो तुम्हें क्या करना चाहिए सर हेम्फ्री डेवी के भाषण सुनने चाहिए कि जहाँ स्पीच होती है वहाँ तुम जाओ और उनकी स्पीच यानी कि भाषण सुना करो। सर हेम्फ्री डेवी वो भी एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने डेवी लैब की खोज की थी। माइकल तुरंत भाषण की जगह पर जा पहुंचा। वहां जाकर उसने देखा कि भाषण सुनने के लिए टिकट खरीदना जरूरी था। कि माइकल तुरंत ही जैसे ही सुना कि माइकल फैराडे ने जैसे ही सुना कि हम्फ्री डेवी के भाषण सुनने हैं उन अगर जानकारी ज़्यादा चाहिए तो वो तुरंत ही जहां हम्फ्री डेवी के भाषण चल रहे थे वो भाषण दे रहे वहां वो तुरंत ही पहुंच गया भाषण सुनने के लिए। तो उसने वहां जाकर देखा कि वहां क्या था टिकट खरीदनी पड़ती थी उनके भाषण सुनने के लिए टिकट लेकर एंट्री करनी पड़ती थी। मालिक से पैसे लेकर उसने टिकट खरीदा और भाषण सुनने लगा। लौटने पर मालिक ने पैसे काट लिए। शाम को कम पैसे लेकर गौज पहुंचने पर पिताजी क्रोधित हुए और बोले इस प्रकार पैसे बर्बाद मत किया करो। क्रोधित यानी कि गुस्सा। वहां जाकर उसने क्या देखा भाषण जहाँ चल रहा था वहां हम्फ्री डेवी की वहां टिकट लग रही थी तो वो फटाफट अपने मालिक के पास आया और मालिक को कहा कि मुझे पैसे दो टिकट के लिए। तो मालिक ने उसे पैसे दिए तो वो पैसे लेकर वो टिकट खरीद कर फिर भाषण सुनने लगा। जैसे ही भाषण सुनकर वो वापस दुकान पर आया जहाँ वो जिद मानता था तो उस मालिक ने क्या किया उसके पैसे काट दिए। जैसे उसके डेली के पैसे मिलते थे उसको सुबह जाता था जॉब पर और शाम को आता था तो उसको पैसे मिलते थे तो दिन में से जो आधे दिन वो कहाँ भाषण सुनने में गया तो उसकी हाफ सैलरी कट गई यानी कि हाफ डे का पैसे उसने मालिक ने काट लिए। और जैसे थोड़े पैसे लेकर वो घर पहुंचा तो पिताजी को उसने पैसे दिए तो पिताजी ने पूछा कि क्यों इतने ही पैसे। तो उसने कहा कि मैं हम्फ्री डेवी के भाषण सुनने गया था वहाँ टिकट थी तो मैंने इसमें से मेरे मालिक ने मेरे पैसे काट लिए। तो उसके पिता भी उसके ऊपर बहुत ही क्रोधित यानी कि गुस्सा हुए और कहा कि ऐसे पैसे भाषण सुनने में बर्बाद मत करो यानी कि वेस्ट मत करो। तो उसके पिताजी उसके ऊपर बहुत ही क्रोधित हो गए। अगले दिन माइकल को दुखी देख उसके मालिक को उस पर दया आ गई। उन्होंने कहा तुम्हारे टिकट के पैसे मैं दिया करूंगा तुम्हारी मजदूरी से नहीं काटूंगा। दूसरे दिन क्या हुआ माइकल फैराडे को जाना था भाषण सुनने के लिए पर आज भी अगर जाते तो क्या होता कि मालिक उसके पैसे काट लेना। तो इसीलिए वो बहुत ही दुखी था कि मेरी पढ़ाई भी छूट गई और मुझे बिजली रिलेटेड की भाषण सुनना है कुछ जानना है तो उस जानकारी कैसे मिले पैसे तो थे नहीं। तो वो बहुत ही दुखी था इस बात को लेकर। तो उसके मालिक ने उसे देखा कि ये बहुत ही दुखी है तो उसको उसके ऊपर दया आ गई और उसको कहा माइकल फैराडे को कि तुम अगर भाषण सुनना चाहते हो तो तुम जा सकते हो तुम्हारी टिकट के पैसे मैं दूंगा और तुम्हारी मजदूरी से यानी कि तुम्हारी सैलरी में से मैं पैसे नहीं काटूंगा। माइकल की कामना पूरी हुई। कामना यानी कि इच्छा। माइकल की इच्छा पूरी हो गई क्यों क्योंकि उसको तो भाषण सुनने थे
और टिकट के पैसे भी मिल गए तो उसकी इच्छा पूरी हो गई। वह देवी साहब के भाषण सुनता, उनको लिखता और उन पर चित्र बनाता था। जो देवी साहब जो थे हम्फ्री डेवी, उनके भाषण सुनता वो, जो स्पीच देते वो, और उनको लिखता और उसके चित्र भी, पिक्चर्स भी बनाता था। कुछ दिन पश्चात वह उनसे मिला, कुछ दिन पश्चात यानी कि बाद, कुछ दिन बाद वह हम्फ्री डेवी को पर्सनली मिला। सर हम्फ्री डेवी को वह होनहार बालक बहुत पसंद आया। होनहार यानी कि काबिलियत बालक था वो, क्योंकि उसने स्कूल भी नहीं जाता था, पढ़ाई भी नहीं करता था, और जॉब करते करते वह ऐसे भाषण सुनकर उनके बारे में जानकारी लेता था। तो वह होनहार बालक यानी कि माइकल फेरेडे सर हम्फ्री डेवी को बहुत ही पसंद आ गया। उन्होंने माइकल को अपना शिष्य बना लिया। उन्होंने क्या किया, हम्फ्री डेवी ने माइकल फेरेडे को अपना शिष्य बना लिया। माइकल उन्हें उनके साथ रहने लगा और उनसे शिक्षा प्राप्त करने लगा। माइकल फेरेडे हम्फ्री डेवी के साथ रहने लगा और उनके जो शिक्षा यानी कि उनसे नॉलेज प्राप्त करता रहा, शिक्षा प्राप्त करने लगा। इस प्रकार अनेक मुश्किलों का सामना करके वह एक महान वैज्ञानिक बन पाया। इसी तरह माइकल फेरेडे है वो महान वैज्ञानिक बन पाए और उन्होंने इस तरह बिजली की खोज की सर हम्फ्री डेवी के को गुरु बनाकर। जो भले पढ़ाई नहीं करता था तो भी उन्होंने ऐसे बहुत ही मुश्किलियों का सामना करके, बहुत मेहनत परिश्रम करके एक महान वैज्ञानिक बन। यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस लेसन वेरी वेल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।